दोस्तों, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को फिर भी क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। और अब वो इंडिया की लीडरशिप जो है एक्सटर्नल स्फेयर में जो है वो मानी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं देख रहा हूं कि इंडिया इज बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं इस एंगल से देखूं कि नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर। और कहा ये जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पूरा ग्लोबल साउथ वहां पर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी पर मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान वहां पर नहीं था। कि नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी पार्टी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो, नॉर्मल रिलेशनशिप हो, ट्रेड हो और वहां से बात आगे चले। एनी हाउ बट दिस नमस्ते इन G7 मीटिंग इट इज गॉन वायरल एंड ग्लोबल। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इटली के अंदर G7 ग्रुप देशों की मीटिंग हो रही है, जिसे ऑफिशियली G7 समिट कहा जाता है। और चूंकि G7 ग्रुप और इसके डिसीजन दुनिया के ऊपर काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंस रखता है, इसलिए दुनिया की नज़रें G7 समिट पे होती है। तो वहीं पे भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, फिर भी इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के PM मोदी जी को इन्वाइट किया। लेकिन इस समय G7 समिट से कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स और तस्वीरें जो कि दुनिया में वायरल हो रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानी लोग शॉक्ड भी हैं, क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में देखा जा सकता है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि G7 समिट को होस्ट कर रही हैं, वो अपने सभी मेंबर सदस्यों से हाथ जोड़ करके या यूं कहें कि नमस्ते करके उनका वेलकम कर रही हैं, जिस पर दुनिया में भी डिस्कशन हो रहा है कि आखिर इंडिया का जो नमस्ते सिंबल है या यूं कहें कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिस पर खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया कमर चीमा जैसे लोग यह बातें कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का कोई अपना सॉफ्ट पावर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं EU लीडर को और उनको नमस्ते उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज़ हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ देयर इज़ नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। बहरहाल, ये देखें कि जो इंडिया के सॉफ्ट पावर टूल है, जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि जो ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये एक मेरे बड़े फेवरेट पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जोसेफ नाये, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो, कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी कहीं शिफ्ट ना हो जाए। सो आप ये नमस्ते करें। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर इंडिया। देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब मुल्क बड़ा है, लोगों को अपने कारोबार से कर्जा। यार, कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता। एक तो ये पता ही चीज़, शी रिप्रेजेंट्स द फार राइट। सो ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की। अगर आपको याद हो,
एक बुक भी लिखी गई थी 2012 के अंदर, शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी थी पैक्स इंडिका। अपना वो कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं, योग्या है, उसके बाद हमारी मेडिसन्स हैं, हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और इंडिया का जो डायस्पोरा है, अबव ऑल दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। और हुआ यह है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उस सारे के सारे डायस्पोरा को ओन करना शुरू कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर इसको मैं इस एंगल से देखूं कि नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं है, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर। एंड रिमेंबर ऑब्वियसली द सॉफ्ट पावर जो है वो किसी कल्चर, सोसाइटी, वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन चीज़ों से आती है। अब इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है, सो द क्वेश्चन इज कि हमें ये देखा है कि उनकी सॉफ्ट पावर को, और हमने अपनी सॉफ्ट पावर बंद कर दी। हम गाना शाने को वैसे हराम समझते हैं, म्यूजिक को हम हराम समझते हैं, जो कि टोलवा ज्यादा हराम समझते हैं, हम तो हर चीज को हमने हराम का ठेका लगा दिया हुआ। एनी हाउ बट दिस नमस्ते इन G7 मीटिंग, इट इज गॉन वायरल एंड ग्लोबल। G7 समिट की, जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुंच भी चुके हैं अभी तक, और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को फिर भी क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इन्विटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इन्विटेशन नहीं आते, सिवाय उसके के जी OIC की मीटिंग हो रही है या तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। मगर ये जरूर है के बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इन्विटेशन आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं।